स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पैसा बनाना है तो स्टॉक की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि वेदर आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन बाय करके पैसा बनाना है देन डेफिनेटली यू हैव टू कैच द मोमेंटम। अगर आपने मोमेंटम पकड़ लिया कि आने वाले 2, 3 या 5 दिन के अंदर ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ेगा तो आप ऑप्शन कॉल या पुट कुछ भी बाय करके पैसा बना सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो 4 तारीख और 5 तारीख को टोटल मैंने 8 कॉल दिए, उसमें से एक ही ऐसा था कॉल जिसका एसएल हिट हुआ। इसका मतलब 90% एक्यूरेसी रही, 8 कॉल में से 7 कॉल सक्सेस गए, राइट। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, आपको ऐसे ही कॉल्स मिलते रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूं आने वाले बहुत सारी ऐसी आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देने वाला हूं जो आपने सोची भी नहीं होगी, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपकी तरफ से। तो आप कल के लिए इंट्राडे के लिए 7 तारीख को कौन से स्टॉक है वो हम देखेंगे। डिस्क्लेमर, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, राइट। अब पहला वाला बैंक निफ्टी, आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अच्छे लेवल पर बंद हुआ, कल हो सकता है ये गैप अप खुले, ये मेरा प्रेडिक्शन है। उसका अभी 33,200 का कॉल 12 मई का एक्सपायरी का 407 पे चल रहा है। अगर कल ये गैप अप खुले तो आप कुछ मत करो, लेकिन अगर बाई चांस वो फ्लैट खुलता है और आपको 250 और 407 के बीच में मिल रहा है, यू कैन गो फॉर बाय। आपको ऐसा रखना है 200, मेरा पहला टारगेट रहेगा 485, दूसरा रहेगा 580 और तीसरा रहेगा 625-690। ये आप मान के चलो इंट्राडे में पकड़ लो या 12 मई एक्सपायरी तक। इसका मतलब एसएल हिट हुआ देन खलास, आइदर यू विल गेट टारगेट और यू विल गेट एसएल। दूसरा बेल, बेल मुझे चार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली उसके अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे वो बैक हुआ है। 60 रुपये का कॉल का ओपन इंटरेस्ट आप देखो तो उसमें अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला है। करंट प्राइस उसकी 3 रुपये चल रही है, आप उसको 1.2 और 3 के बीच में बाय कर सकते हो। 10,000 का लोड साइज है, ध्यान रखना बहुत बड़ा लोड साइज है इसका। एसएल 1 रुपया आप रख सकते हो और टारगेट जो मेरा पहला रहेगा वो 5.5, दूसरा 6.5, तीसरा 7-8.5। ये आप इंट्राडे में मिले या अप टू एंड मई तक, जिसमें मिले आप इसको टारगेट को जब मिल जाता है यू हैव टू एग्जिट। मार्केट में दो ही चीजें मिलती है, या तो टारगेट मिलेगा या एसएल मिलेगा, राइट। तीसरा कॉल बाय भारतीय एयरटेल, आज मैंने सुबह भी बोला था 560 का कॉल, अभी 17 रुपये चल रहा है। आई डोंट नो, 2-3 दिन से मुझे ऐसा कन्विक्शन बैठ रहा है कहीं ना कहीं एक बार ये फटेगा, आप कब फटेगा वो आई डोंट नो, लेकिन अभी उसका 17 रुपये 560 का कॉल जो है उसको अगर नीचे आता आप बाय कर सकते हो 11 से 17 के बीच में। 10 रुपया का आप ऐसा रख सकते हो, पहला टारगेट 19.5, दूसरा 21.5, तीसरा 25 से 27.5। एग्जिट इंट्राडे में अगर आपका पहला या दूसरा टारगेट मिल जाता है तो, और पोजीशन आप होल्ड करो अप टू मंथ एंड तक। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको एसएल हिट होता है देन ये कॉल खत्म हो गया, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर एसएल हिट नहीं होता है देन यू बी ऑन दी पोजिशन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाओ, लाइक करो, अगर कुछ कॉमेंट तो आप कॉमेंट डेफिनेटली करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। थैंक यू।